जिसके साथ मैं सफर कर रहा हूँ, महिला आ जाओ यार सामने आ जाओ। देख भाई, सुबह के जो हैं 3 बज रहे हैं, मैं उठूँ और अभी नहा के कपड़े पहने हैं, ठीक है, अभी बाल स्ट्रेट करने हैं और उसके बाद निकलना है लाहौर के लिए। तो मैं नींद, आप देख रहे हो कि रात से सिर्फ 1.5 घंटा सोया। अच्छा, तो आपको ये तो बताया नहीं कि हम करने क्या जा रहे हैं, तो मैं बता दूँ कि मुझे सिर्फ जाना है, 5 घंटे का काम है वहाँ पर। हाँ, गाड़ी चलने के बाद मैंने सो जाना है, लाहौर पहुँचेंगे उसके बाद आपको देखेंगे। रास्ते में रोड ब्लॉक था तो अभी बस कहीं ना कहीं से गाड़ी निकल आई, तो 1 घंटा हम लेट पहुंचे हैं, 10 बज चुके हैं। मैं रास्ते में उतरा हूँ, क्रीम बुक करवाई है, जब तक क्रीम आ रही है मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को अपडेट कर दूं। बाकी अभी जाना है और क्लास लेनी है, क्लास का टाइम था 10 बजे, तो मेरा ख्याल है 11 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे, सो लेट्स सी। उतरा हूँ, मुँह भी नहीं धोया, बस रास्ते में खड़ा हूँ और आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है कि क्लास की टाइमिंग थी 10 बजे की, तो अभी हो गए हैं 10:30, ठीक है, तो देखते हैं जाके क्लास में बनता है क्या है। तो अभी तो आज फर्स्ट डे है, पता भी नहीं है कहाँ पे होनी है, क्या सिस्टम है उनका। और जो मज़े की बात ये है कि रास्ते में रोड ब्लॉक था, उसके लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया। और एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया यार, सुबह 3 बजे का ही जब से घर से चला हूँ तभी का खाना खाया हुआ है, अभी नाश्ता भी नहीं किया, और हाँ पानी मेरे पास था वो ज़रूर पिया और एप्पल खाया। अभी देखे वहाँ पे जाके पता लगता है भाई नाश्ते का क्या सिस्टम है, क्योंकि हम लोगों को नाश्ता तो ज़रूरी है और नाश्ते के बगैर तो हम किसी काम के नहीं है। ये अपने सफ़र को बोरियत से बचाने का तरीका। सुपीरियर पहुंच गए हैं, ठीक है, क्रीम वाले जो भाई साहब थे, मेरे ख्याल में आज उनका फर्स्ट डे था, तो उन्होंने तो बहुत लंबा रूट लिया, नाश्ता मिला नहीं। क्लास में चलते हैं, फ्री हो के आपसे बात करते हैं। तो भाई सीन कुछ ऐसा हुआ कि अभी क्लास यहीं पे थी मेरे पीछे, तो अभी टाइम हो रहा है पूरा 1 बज गया दोपहर का, और मैं फ्री हो गया हूँ, क्लास ख़त्म और सेशन कंप्लीट होने के बाद अब मैंने खाना खाना है और उसके बाद घर के लिए निकल जाऊँगा, सीधी सी बात है। और व्लॉग जो हो गया वो बोरिंग हो गया, उसकी वजह ये कि जल्दी फ्री हो गया मैं यहाँ से, अगर मैं 3 बजे फ्री होता तो बहुत इंटरेस्टिंग होता, बट अभी भी बहुत कुछ है देखने को, तो आप इंजॉय करो देखो। और थोड़ा सा आपको व्यू भी दिखा देते हैं सुपीरियर का। और बाकी मज़े की बात की यार, बारिश हुई और मौसम बड़ा अच्छा हो गया, मुझे बैग लेने थे और ज़रा चलते हैं ऊपर, थोड़ा सा आपको व्यू दिखाते हैं। और आप खुद परेशान हो जाएंगे कि यार कितना अच्छा वेदर हुआ हुआ है। तो देख लें अभी मेरे पीछे कितना प्यारा मौसम हुआ है, फुल बारिश हो के हटी अभी। सो व्यू तो देख ही लिया आपने, आइडिया हो गया होगा कितना प्यारा व्यू है, जो कि मैं अभी मिस कर रहा हूँ क्योंकि बस पता नहीं क्यों। और इस साइड पे देखे सर, यहाँ काफ़ी अच्छा वेदर है, तो चलते हैं ज़रा नीचे और देखते हैं क्या है हमारे पास। चलो आ भाई, हम
देख लो बारिश ऐसा हाल भी कर देती है, और अभी बारिश खत्म हो गई तभी कहीं पे जा सकेंगे, तब तक ना तो जिनसे टिकट करवानी है वो फोन उठा रहे हैं और ना ही अभी क्रीम मिल रही है। उसकी वजह है कि बारिश शुरू हो गई है और जो फेयर है जो भी है वो तकरीबन 10-15 मिनट अवे है। जब बारिश होती है एक आध घंटा ऐसे ही रहता है, उसके बाद ही नहीं चलता क्योंकि वो सीवरेज है तो एक नॉर्मल सिस्टम होता है, इतना हैवी सिस्टम तो नहीं होता, वो जैसे जैसे फिर निकलता है जाके आगे फिर साफ। खाना खा लिया है और भी बहुत कुछ खाया है, देख ही लिया हो आपने, और अभी जा रहा हूँ 4:30 बजे की टिकट मिली है, अभी 3 बज रहे हैं, देखो वहाँ पे पहुँच के कुछ करने को मिलता है या नहीं, अंडरपास ने कितना अंधेरा किया। तो अभी के लिए बस इतना ही। हाँ यार एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो ये कि सुपीरियर में मैंने एडमिशन लिया है और अभी सिर्फ चल रही है वीकेंड क्लासेस, ठीक है, और उसका फ़ायदा कुछ नहीं है, सिर्फ उन्होंने बच्चों को बुलाने के लिए ये काम किया, तो मैं तो नहीं जा रहा नेक्स्ट वीक से क्लास लेने, और मैं तो उसी टाइम जाऊंगा जब क्लासेस ऑफिशियली स्टार्ट होंगी, और इसका मतलब है कि आपको 2 माह और वेट करना पड़ सकता है अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए, तब तक आप वेट करें और मैं गाड़ी का वेट करता हूँ। अपडेट वो ये कि 4:30 बजे वाली मैं निकलना था, 3:30 वाली खड़ी थी, तो उसमें मैं जा रहा हूँ, बात करने के लिए टाइम नहीं है, घर पहुँच के आपसे बात करते हैं, या अगर रस्ते में टाइम मिला तब आपसे बात करेंगे। वीडियो तो ख़त्म होने वाली है और मैंने आपकी मुलाकात तो करवाई नहीं, सो तो जिसके साथ मैं सफ़र कर रहा हूँ महिला, आ जाओ यार सामने आ जाओ, ये यार ये आप लोग पता नहीं क्या सोच रहे थे अभी बालों की हालत क्या हो गई है, ओवरऑल चेहरे की भी। तो अभी चलते हैं घर, घर चल के खाना खाते हैं, अभी 9 बज गए, आधे घंटे तक घर पहुँचेंगे। साढ़े 9 हो गए हैं, घर पहुंच गया हूँ, तो सुबह निकले थे 4 बजे और अभी 9:30 बजे वापस, और जो हमने डिस्टेंस कवर किया वो किया 750 किलोमीटर, यानी कि 750 किलोमीटर 17 घंटों में हमने डिस्टेंस कवर किया है, और मेरे लिए काफ़ी अचीवमेंट है। दरमियान में एक खाना खाया है, डाइटिंग भी फुल हुई है और बाकी भी सब। तो बस अगर पसंद है तो इसको लाइक कर दो, और देखने हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है माहौल। और हाँ एक और बात कि आज की व्लॉग के लिए मैं काफ़ी जलील हुआ हूँ, जलील तो नहीं हुआ मतलब आज सारी चीज़ें जो है वो आउट ऑफ ट्रैक थी, तो बस आप दोस्तों के साथ शेयर कर लो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।